तो आगे भी भविष्य अच्छा है, और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है, सरकार ने जो टारगेट सेट किए हैं उसमें निश्चित तौर पर पावर ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम देख भी रहे हैं जो ऑर्डर हाल फिलहाल निकल के आए हैं। हालांकि महीने भर में करीब 6.5% और 6 महीने में 33% के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन पावर ग्रिड को रिटर्न के अलावा दो तीन चीज़ों की वजह से देखा जाता है। एक तो डिविडेंड यील्ड है पावर ग्रिड में, दूसरी चीज़ ये है कि एक सेफ स्टॉक है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, ज़्यादा गिरता नहीं है या फिर बहुत तेज़ रफ्तार से चढ़ता नहीं है, बीटा इसका कम है। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, पावर ग्रिड ब्रोकरेजेस तो इसको लेकर बुलिश हैं, आपका कितना कन्विक्शन है, क्योंकि अब रिकॉर्ड हाई पर शेयर पहुंच गया है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन वाला कंसर्न आता है। आपके हिसाब से ठीक है मामला या फिर थोड़ा नीचे आए तो लेना चाहिए? देखिए अच्छा जी, हम इसमें बुलिश हैं और पावर की जिस तरीके से डिमांड है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए हमें लगता है पावर ग्रिड एक बहुत सेफ स्टॉक है। और आपने सही कहा कि वोलेटाइल उतना नहीं है, ना उतनी तेजी से गिरता है ना उतनी तेजी से बढ़ता है। तो ये जिन निवेशकों को थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी वाले शेयर चाहिए उनके लिए बहुत उपयुक्त है। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है भारत की, जिसमें 50 से 60% इसका मार्केट शेयर है। दूसरे, भारत का ये टारगेट बना हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी में करीब करीब 500 गीगावाट वो 2030 तक कर लेंगे तो उसका इनको फायदा मिलेगा। बैटरी स्टोरेज की जो काव्यात चल रही है उसको लेके इनको फायदा है। तीसरे, हाइड्रो पावर को लेकर के जो पंप किया जा रहा है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उससे भी इनको फायदा मिलेगा। प्लस कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड की काव्यात चल रही है, तो वो पावर ग्रिड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरे, अगर आप देखो तो इनका केपेक्स FY25 कह लीजिए और आने वाले 2-3 साल के लिए बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। ऑर्डर बुक जो है वो रेवेन्यू की करीब करीब 2.5 गुना है। और आपने सही कहा, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठ रही है। आज की डेट में भी अगर आप देखो तो 3.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो दूसरी इस क्षेत्र की कंपनी, इस तरीके की कंपनी जो गेल वगैरह है उससे बेहतर बैठती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये गिरेगा तब लेंगे वाली जो चीजें हैं, ये इस तरीके की तेजी बाजार में कई बार लोग से गाड़ी छूट जाती है। तो मैं समझता हूँ जो ट्रेडिंग करके मेंटालिटी से निवेश कर लेते हैं स्टॉक, उनके लिए तो लेवल्स देखना उचित है। बट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, खरीद। एक शेयर जो आज स्टैंड आउट कर रहा है, तेज है और 4% के आसपास के मूव दे रहा है, वो है पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड में ये तेजी की वजह यह है कि इस पर भी एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। हमने कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट ब्रोकरेज की तरफ से देखा है कि 370, 390, 400 के ऊपर के टारगेट देखे हैं, लेकिन अब पावर ग्रिड के लिए तेजी का ट्रिगर क्या बन रहा है, जरा ये विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए, पावर ग्रिड क्या ये पावरफुल मूव जारी रहेगा, क्या संकेत हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें पावर ग्रिड की तो फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो पावरफुल ग्रोथ जो है वो ऐसे ही जारी रह सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पे काफ़ी सारे ट्रिगर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो पुश आ रहा है वो ट्रिगर के बारे में। तो एक मैक्रो पुश हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल पावर सेक्टर में ही। अभी गवर्नमेंट ने जो है ट्रांसमिशन के लिए केपेक्स बढ़ाया है। केपेक्स का जो अनुमान था वो बढ़ा के 11,000 करोड़ का जो है वो अनुमान उन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने। इसके चलते हुए जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता है उसमें कहीं पर 8% का केगर ग्रोथ हमें पावर ग्रिड में देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। और आगे जाके उनका यह भी मानना है कि अगर हम बात करें FY30 तक की लाइन की तो कहीं पे 500 बिलियन डॉलर्स तक का एक प्लान जो है वो एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें भी पावर ग्रिड जो है वो एक अच्छा बेनिफिशियरी के रूप में हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। अगर हम इसी सब के चलते हुए ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो एक सेकेंड ट्रिगर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक बुलिश व्यू जो है वो हमें इस कंपनी पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो वहाँ पर 425 रुपीज़ का उन्होंने टारगेट दिया है। जेफरीज ने जो टारगेट है वो 390 रुपीज़ का दिया है और गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट है वो 370 रुपीज़ का दिया है कंपनी के ऊपर। तीसरे अगर ट्रिगर की बात करें तो इस सब के चलते हुए एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें कंपनी के एक ओवरऑल फंडामेंटल्स में भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे हमें पता है पिछले ही कुछ दिनों में गुजरात में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के लिए कंपनी ने एक ऑर्डर विन जो है वो हमें देखने को मिला था। खावड़ा पुलिंग स्टेशन में जो ऑर्डर विन है वो हमें देखने को मिला था। पिछले ही हफ्ते एक नया ऑर्डर जो है वहाँ पर भी एक लोएस्ट बिडर के रूप में कंपनी जो थी वो बोली जीती थी, वो भी हमने देखा।
रहा था, तो एक ओवरऑल ही काफ़ी अच्छा ट्रिगर जो है वह देखने को मिल रहा है। और इसी सब के चलते हुए अभी एनालिस्ट का मानना यह भी है कि आगे जाके इसी सेक्टर में 40 लाख करोड़ तक का निवेश जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके 2030 तक जो गवर्नमेंट का जो विजन है जहाँ पे 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनको लाना है, उसमें भी पावर ग्रिड के तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव भी देखने को मिल सकता है और पावर ग्रिड में एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अगर हम शेयर की बात करें तो इसी साल में लगभग 85% जो है इस शेयर ने रिटर्न दिया है। अभी भी अगर हम बात करें तो आज के दिन में एक 52-week हाई भी जो है वो शेयर ने रीच किया था। तो आगे जाके ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि पावर ग्रिड के इन्वेस्टर्स के लिए आगे जाके ये शेयर कैसे पैन आउट करता है, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग जो प्ले है वो इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है।